लॉकडाउन में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद राजधानी के दानापुर इलाके में अपराधियों का तांडव जारी है। रविवार को दानापुर के सगुना बड़ी हवेली के पास जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद अरशद हुसैन को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब सगुना छोटी हवेली इलाके के रहने वाले मोहम्मद अरशद बड़ी हवेली इलाके में हो रही शादी वाले घर जा रहे थे। पैदल जाने के दौरान पहले से घात लगाए अपराधी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद अरशद को 4 गोली लगी। मोहम्मद अरशद हुसैन को गंभीर हालत में सगुना मोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। मोहम्मद अरशद हुसैन के पुत्र की माने तो वो मोहम्मद अरशद हुसैन के ऊपर 3 महीने पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। उस समय वारदात को 4 से 5 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। बहरहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जाँच कर रही है। मॉर्निंग में टहलने गए थे, अगर मैं शादी थी हवेली बड़ी हवेली में, वहाँ टहलने के लिए अपना रोज ही जाते हैं उस जगह पे, और पता चला कि वो गोली मार दी है विक्की राय, बिच्छू राय का बेटा हुआ विक्की राय। इसके पूर्व भी केस हुआ 24 फरवरी को, जिनके ऑफिस में जदयू के अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव भी हैं ये, उस बार भी मतलब बाल बाल बचा इनको मार ही दिया गया था। और इस 3 महीना 4 घटना के अंतर्गत फिर ये घटना हो गई। इस केस में एक विधान राय जेल में है, बाकी अब भिक्षा फरार है। कितनी गोलियां लगी है डॉक्टर? 4 गोली लगी उनको, एक हाथ में लगी है, 2 उनके बॉडी से बाहर है, 1 गोली उनके पीछे फंसी।